Welcome to this favorite segment of mine, and it is about fat. And I have been recommending fat to everybody. But before I start all this and इससे पहले कि मैं और ज़्यादा बातें करूं जो मुझे शायद आधा घंटा और 40 मिनट लग जाएं, इससे पहले मैं आपको जो है कुछ चीज़ें अपने बारे में कहना चाहूँगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मंतहा तरीन and I am a lifestyle and wellness coach, a nutritionist, certified from the United States. I have worked in this field for more than 10 years, बाहर भी यूरोप में, अमेरिका और अब पाकिस्तान में। मैंने घर पे शुरू किया एक स्टूडियो से और वहाँ मैं अपने क्लाइंट्स को न्यूट्रिशन प्लान्स देती थी और वर्कआउट्स कराती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है अपना स्टूडियो बनाया। My success is dependent on being honest, authentic, and reliable. Whatever I say is out of my experience and not out of textbooks. Okay? So, other than being a nutritionist and a personal trainer, मैं जो है Zumba instructor भी हूँ, मैं pioneer हूँ Zumba की पाकिस्तान में और मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। तो आज जो हम बात करने जाएंगे वो प्रिटी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं करेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हम बात करेंगे वर्कआउट्स के बारे में भी जो फैट को बर्न कर सकते हैं। तो उसके उस लिटिल सेगमेंट को मैंने जो है नाम दिया है फैट बर्नर। फिर हम एक डू इट योर सेल्फ जो हम कहते हैं DIY, एक ब्यूटी स्क्रब भी आपको बताएंगे जो फैट ओरिएंटेड है और आपके जो लिप्स के लिए स्पेशली क्योंकि सर्दियों में आपके लिप्स जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाह रही हूँ कि मैंने जो है काफ़ी पेशेंट्स से इंटरेक्ट किया है, चाहे वो थायराइड के पेशेंट्स हों, PCOS के पेशेंट्स हों और डायबिटीज़ के पेशेंट्स हों, कैंसर के पेशेंट्स हों। मैंने अराउंड 4500 प्लस क्लाइंटेल से जो है वो इंटरेक्ट किया है, उनको डाइट प्लान्स दी हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग दुबई, बेल्जियम, कतर, एज वेल एज ऑफ कोर्स योर वेरी ओन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैंने जो है कराची और लाहौर दोनों में काफ़ी काम किया है। अच्छा, और अब मैं अपने बारे में भी कुछ कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे जो है काफ़ी लोग जो है वो ऑन स्पॉट फिटनेस करते हुए देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरा न्यूट्रिशन साइट क्या है। आप अगर न्यूट्रिशन और फिटनेस दोनों को बैलेंस नहीं करोगे तो आपको किसी किस्म का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको न्यूट्रिशन और फिटनेस दोनों को साथ मिला के अपनी जर्नी में लेके चलना है। तो जो है अभी रिसेंटली आई हैड अ बेबी 4 हफ्ते पहले, ही इज़ ओनली 4 वीक्स ओल्ड। तो इसलिए मुझे कहा गया है कि अभी मैं इंटेंस एक्सरसाइजेस कुछ पोजीशंस में नहीं कर सकती, डॉक्टर से मुझे जो है वो इजाज़त नहीं मिली। इसीलिए हमारे पास हैं शेरन, वो मेरी असिस्टेंट हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस कराएंगी। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। It is very, very popular amongst everybody कि सबसे पहले जो है वो हम जब डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो फैट को कट करते हैं। अब हम जब फैट को सबसे पहले कट करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स जो है वो स्मूथली रन कैसे करेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली कैसे रन करेगा, हमारा फाइबर कैसे एब्जॉर्ब होगा, हमारे विटामिन्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे। सो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फ़ैट की ज़रूरत है और फ़ैट के भी डिफरेंट किस्म होते हैं जो मैं आपको आगे चल के डिटेल में करूंगी, बट इतना आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे बात नहीं कर सकती क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दे के मैं आपको समझाऊंगी कि इस फैट को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसके साथ वेट लूज कर सकते हैं और थोड़ा और खा भी सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा बोला गया है कि फैट मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओ, प्रोटीन नहीं खाओ, पर जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा बचना है वो है ये फैट डाइट्स, जैसे कीटो है, एटकिंस है। ये जो फैट डाइट्स हैं ये आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपके रेगुलर वर्क के लिए, जैसे हमारा एक लाइफस्टाइल है। एक औरत जो है वो बच्चे को भी संभालती है, घर भी संभालती है, वो अपने स्टाफ को भी संभालती है, बाहर काम भी करती है, उसके एक्टिविटी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े होते हैं। अब अगर हम असली रियल फूड से इसको जो है हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम डिपेंड करेंगे फेक फूड के ऊपर, जैसे सप्लीमेंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, उन रिसोर्सेज से, जैसे मेडिकेशन से, विटामिन से, कैल्शियम नॉट फ्रॉम द रियल सोर्स, जैसे मिल्क से हमने कैल्शियम लेना बंद कर दी, अब हम कैल्शियम ले रहे हैं गोलियों से। हमने जो है वो फैट जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो असली फॉर्म में है, जैसे कि कुछ कुकिंग ऑयल्स हैं जिनमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है वो इट इज़ रिच इन इट, सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन्स हैं जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से जो है रिच है। उन जो है बीन्स को, उन ऑयल्स को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें, हाँ, और ना कि आप जो है वो मेडिकेशन और ओमेगा 3 ओमेगा 6 के सप्लीमेंट्स के थ्रू आप जो है अपनी डाइट को सपोर्ट करें। ऐसे अपने डाइट को मेडिकेशन से सपोर्ट करने से यही होगा कि आपका को फाइबर नहीं मिलेगा और आप ब्लोट करोगे। तो आप ब्लोट फैट से नहीं करते, आप ब्लोट और वेट गेन जो है नेचुरल सोर्सेज से नहीं करते हैं, जैसे ऑयल है, बटर है, मार्जरीन है, या कार्बोहाइड्रेट्स के नेचुरल सोर्सेज हैं। आप प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे व्हीट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, ऑल काइंड्स ऑफ रेड मीट, लैम्ब, बीफ, इट कम्स इनटू सैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो यूजुअली जो है वो सॉलिड होता है। जब सैचुरेटेड फैट सॉलिड होगा तो वो थोड़ा सा और टाइम लगाएगा एब्जॉर्ब होने में। अगर फैट जो है वो अनसैचुरेटेड है, दैट मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में जो फैट होगा वो हो गए आपके ऑयल्स, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फैट्स आपको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए आई एम गोइंग टू यू नो टॉक अबाउट दोज। ओके, कमिंग बैक टू बैलेंस्ड डाइट। जो बैलेंस्ड डाइट है वो हम यूजुअली आपके जैसे एटकिंस में वी आर सेइंग दैट सिर्फ प्रोटीन खाओ, सिर्फ प्रोटीन खाओ। हम हर वक्त प्रोटीन अगर खाएंगे तो अल्टीमेटली वो प्रोटीन भी फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के कुछ हिस्से हैं जिनको प्रोटीन की ज़रूरत है, मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास मसल मास इतना नहीं है तो बाकी का जो 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 प्रोटीन है वो जो है आपका फैट के फॉर्म में बन के आपकी बॉडी में स्टिक हो जाएगा। तो फैट जो है वो सिर्फ ऑयल्स में नहीं है, फैट्स जो है वो सिर्फ जो है नट्स और सीड्स में नहीं है, फैट आपके कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स फैट में कन्वर्ट हो सकते हैं और आपकी प्रोटीन एक्सेस अमाउंट जो आपको जो है जितना अमाउंट आपके बॉडी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो आप जो है वो अमाउंट मैक्रोस की जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स विल कन्वर्ट फाइनली इनटू फैट। Now, there are a few questions that I'm looking into, but I cannot answer all, so I'm just going to check a few of them over here. Let's see, please, men's health and fitness too. Yes, whatever I'm saying right now, Abhi, वो both men and women के लिए है। और जो है मैं इस वक्त सिर्फ विमेन की बात नहीं कर रही, मैन की बात भी कर रही हूँ। हमारे फॉर्चुनेटली यू नो अनफॉर्चुनेटली मैन आर यू नो इग्नोर्ड वेयर एज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न। बट आई वॉन्ट टू, वो जो मैंने सप्लीमेंट्स की अभी जो बात की है कि ज़्यादातर जो है वो मर्द हजरात जो हैं वो प्रोटीन शेक्स और जो है वो बीफ और लैम्ब में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं रादर देन टेकिंग लाइक हेल्दी फॉर्म्स ऑफ जो है फैट। देखिए बीफ में भी फैट है बट दैट इज़ सैचुरेटेड फैट, लैम्ब इज़ ऑल्सो सैचुरेटेड फैट बट सैचुरेटेड फैट टेक्स मोर टाइम टू बर्न। सो इफ़ यू गो फॉर अ लिटिल बिट unsaturated fat that is liquid in liquid forms like soybean oil, then we have Soya Supreme which is an excellent oil and it has all the important parts, important oils that we need, all the saturated oils we need. We have canola oil in it, we have palm oil in it, we also have soybean oil in it. Now soybean itself is rich in omega-3 and omega-6. So if you have a little bit of, let's say, oil in your food, a little bit extra oil in your food, you can ignore the artificial forms of fat that are available in the market. Coming down to balanced diet, because there are questions here regarding balanced diet as well and good fat. Okay, so balanced diet is when we have 50% carbohydrates, 30% protein and 20% fat. Now fat itself, like I said, we cannot ignore. Protein you can have 30%, but usually if you want to go into detail, so 1 gram of protein according to 1 kilo of your body weight is highly recommended. So you could do that. And secondly, what I would want to mention is a balanced diet. Let's come back to that because there are lots of questions coming in. I'll get to the questions later. You can also DM me your questions. I would love to answer them, but I really want to get to what I want to say right now. So I'm just I want to give you, impart all this information because a lot of people are waiting for this. I have my clients also who are waiting for this show. So I was talking about balanced diet. So I said that carbohydrate itself is 50%, protein is 30% and fat needs to be incorporated in the diet 20%. कार्बोहाइड्रेट्स जो है आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर हट के आप जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को पे अटेंशन टू इट। फॉर एग्जांपल लाइक यू नो होल व्हीट है, बार्ले है, ओट्स है। देन प्रोटीन में यू हैव योर चिकन, यू हैव all kinds of poultry, whether it's turkey हमारे मुल्क में available नहीं है, and then you can have what you call eggs are great sources of protein, we all know about that, and we come to fat. Fat is fabulous. Please do not deduct it from your diet. The reason is because it's going to age you. Second, it is rich in omega-3 and omega-6 and it helps you function better and make your skin brighter. The kind of fat जिससे आपको दूर हटना है वो है visceral fat. Visceral fat जो है वो आपके organs के ऊपर नहीं होता, आपकी skin के अंडर होता है। तो for instance ये आपकी आम है, आपने अपने आम को पकड़ा, ये आपके ऊपर ये extra fat है। तो this extra fat needs to go. You have to work out for it and diet for this extra fat, not the fat which is in your organs. ठीक है, that is where cholesterol comes in. जब हम cholesterol की बात करते हैं तो दो type के cholesterol हैं, HDL और LDL. HDL cholesterol वो है जो आपकी good fat से आएगा और आपकी fitness से आएगा। ठीक है, बैड फैट से बढ़ता है LDL कोलेस्ट्रॉल, पर उसकी भी काफ़ी रिसर्चेस अभी भी लोग रिसर्च कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल पे, बिकॉज काफ़ी वक्त ये होता है कि जब HDL कोलेस्ट्रॉल दैट इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल वो रेज होता है तो आपकी बॉडी जो है ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में काम करती है। ठीक है, और अगर आप का जो है वो LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर आपके पास आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होते हैं, राइट. सो व्हाट आई वांट टू से, देयर आर सर्टेन ऑयल्स एंड देयर आर सर्टेन सोर्सेज ऑफ फैट व्हिच आर 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री. व्हेन दे से दैट दे आर 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, दे डू नॉट मीन गुड बैड कोलेस्ट्रॉल, दे मीन गुड कोलेस्ट्रॉल. सो दे आर रिच इन गुड कोलेस्ट्रॉल, but they do not have any kind of bad cholesterol in them like LDL. अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम HDL को बढ़ाएं और हम LDL को कम करें. तो हम LDL को कम करने के लिए हम we have to go for good sources of fat like omega-3, omega-6 found in different nuts, different oils like Soya Supreme, and it has to be good for your organs. So there are things that you need to concentrate on when you are buying products. सबसे पहले nutrition label. Please check करें कि आपके products के अंदर क्या है. बहुत सारे products ऐसे हैं जो fat free होते हैं, पर जो products fat free होते हैं उनमें carbohydrates increase होते हैं और sugar levels high होते हैं. तो क्या होता है कि जिस वजह से आप जो है वो फैट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो LDL में कन्वर्ट हो जाता है. सो इसीलिए प्लीज़, एंड देन जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स जो है वो फैट को बैलेंस करने के लिए ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपके अंदर बॉडी के अंदर वो दोबारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है. सो इसीलिए प्लीज़ ईट अ बैलेंस्ड डाइट एंड डू नॉट गो फॉर all these products which are saying fat free, low sugar, carbohydrate free, low carb. ठीक है, low carb आप खुद देखें कि अगर low carb जो है उसमें carbs जो है 5 grams और less हैं तो उसमें sugar कितनी है. अगर कार्बोहाइड्रेट्स 20 हैं तो 20 ग्राम्स है तो उसमें फाइबर कितना है. अगर फाइबर 10 ग्राम्स है तो आप जो है कार्बोहाइड्रेट में से फाइबर जो माइनस करेंगे तो 10 ग्राम्स बचेगा. 10 ग्राम्स इज गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू फंक्शन. एंड अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज whenever you are choosing oils, you have to see if the oils are rich in omega-3, omega-6 and the oil is UHT treated. The reason why is because when I usually do my cooking, I always tell my cook, or when I work myself in the kitchen, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 1 tablespoon oil लेती हूँ. उसको जो है मैं, अगर मैंने olive oil लिया, ठीक है, olive oil को हम high temperatures पे नहीं पका सकते, और हम जो है क्या कहते हैं सेसमी सीड ऑयल को भी हाई टेम्परेचर्स पे नहीं पका सकते, जिस वजह से हमें उनको जो फूड हम यूज़ करते हैं उसमें बनाने के लिए दे आर यूजुअली जो है वो मेडिटेरेनियन फूड होता है और इटालियन फूड होता है. जो पाकिस्तानी कुजीन है उसको हमें यूज़ करना है कनोला, उसके लिए हमें यूज़ करना है सोयाबीन लाइक सोया सुप्रीम. अब सोया सुप्रीम, why is it my favorite oil? It is my favorite oil because it is light, it is delicious in taste, it is a combination of 3 oils which are rich in omega-3 and 6, like the palm oil, canola oil and soybean itself. So, and plus जो मैं हीट की बात कर रही थी, ऑलिव ऑयल और सेसमी सीड ऑयल को हीट नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ वेस्टर्न फूड बना सकते हैं हम. जो ईस्टर्न फूड है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते क्योंकि वो हमारे DNA में है, हमारे जीन्स में है, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ऑयल दैट इज़ UHT ट्रीटेड इफ़ यू वांटेड टू बी डाइजेस्टेड फास्टर. अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको जो है खाने की मिकदार को बैलेंस करना पड़ेगा. ये नहीं कि आप बिल्कुल ना खाएं और आपको जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स हों लाइक एनोरेक्सिया, बुलिमिया एक्सेट्रा. आपको उतना खाना है जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. और उस बॉडी के और वो खाना जो है हम ज़्यादातर वही खाते हैं जो हमारे टंग को माउथ को पसंद है, विच इज़ पाकिस्तानी फूड. सो प्लीज़ गो फॉर ऑयल्स व्हेन यू आर मेकिंग कुकिंग पाकिस्तानी फूड लाइक कोरमा, पराठा, बट यू कैन हैव अ लिटिल बिट मोर. जैसे आप थोड़ा और उसको खा सकते हो अगर आप ऐसे ऑयल से उसको बनाते हो जो UHT ट्रीटेड है, इजिली डाइजेस्टिबल लाइक सोया सुप्रीम. It's UHT treated, it is easily digestible, but what is UHT treatment? It's ultra high temperatures, isn't it, Sharon? Yes. Okay, and Soya Supreme is the pioneer of UHT treatment. That is why it is so popular around in our country. Even when I go shopping, it's the first quality oil that, you know, I used to pick up for my Pakistani cooking. With Soya Supreme being UHT treated at 255 instead of 1 tablespoon that I use in making my korma, I can use 2 tablespoons because it's easily digestible. Okay, so I'm not encouraging you to have more fat. I'm just encouraging you to go for good sources of fat, which are rich in omega-3, omega-6, and that are unsaturated forms of fat. Okay, this is my advice to you. Now, you can also go for nuts, you can also go for chia seeds, you can also go for sesame seeds. Incorporate that in your diet plan. Okay, but I know food is very important to us. We being Pakistanis, we are all foodies and we would love to have our biryani, right? So you can have that biryani, but make sure that you cook it in the right oil, all right, which is cholesterol free and which is rich in omega-3, omega-6, and as UHT treated too, which can be light, it is light and which can be easily absorbed in your system. I'm also going to connect fat to one of my favorite topics, वो है एंटी एजिंग. हम जब एक एज के बाद, बहुत से लोग एज को तो छोड़ें, आजकल जो है बहुत जल्दी जो है लोगों की स्किन में और लोगों के जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है. मतलब इन द एज वेयर यू नो आई रिमेंबर वी यूज़ टू प्ले आउटसाइड, बैडमिंटन खेलते थे अपने भाई के साथ, मैं टेनिस खेलती थी. मुझे इस एज में कभी भी जॉइंट इश्यूज़ नहीं हुए, ठीक है. मैं बहुत 20 साल 25 साल की लड़कियों को जो है जॉइंट इश्यूज़ और बैक इश्यूज़ में देख रही हूँ. वो इसलिए क्योंकि उनकी डाइट बैलेंस नहीं है और दूसरा उनकी डाइट में जो है वो इनफ फैट नहीं है. और मैं हार्ड फैट की बात नहीं करी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया गुड फैट नहीं है उनकी डाइट में, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स लुब्रिकेट नहीं होते. और दूसरी बात, उनकी स्किन जो है वो कोलेजन लूज़ कर लेती हैं, ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट दे हैव मोर रिंकल्स, दे आर प्रोन टू रिंकल्स. दैट्स व्हाई दे गो फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक फिलर्स एंड बोटॉक्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आप एक एज से पहले जो है वो आपके चेहरे पे जो है रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और दूसरी बात आपके जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम हो जाता है. सो फैट इज़ एक्सीलेंट फॉर जॉइंट्स एज वेल, सो प्लीज़ डू नॉट लीव इट. डोंट थिंक कि आप जो है वो फैट खाने से आप मोटा हो जाओगे, दैट्स अ मिथ. फैट खाने से कोई मोटा नहीं होता, बल्कि फैट खाने से आप ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो, आप जो है आप ज़्यादा परफॉर्म बेटर कर सकते हो मेंटली, फिजिकली एज वेल. बिकॉज इवन योर ब्रेन नीड्स ओमेगा-3 एंड ओमेगा-6, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ फैट. अदर सोर्सेज ऑफ ओमेगा-3 ओमेगा-6 आर फिश, जैसे सैमन हो गई, और जैसे क्या कहते हैं ये रेड स्नैपर है, दैट इज़ एक्सीलेंट. हमारे मुल्क में जो वाइट फिश मिलती है अमूमन वो आप यूज़ कर सकते हो, जो नट्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ. और ऑब्वियसली इफ़ यू वांट, यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट, जस्ट टेल योर द वुमेन इन योर हाउस to incorporate Soya Supreme in your daily lifestyle, which will help you incorporate all that all the good fat in your diet. So now let's go back to some questions here. I am looking at a lot of questions coming in, so I'm just going to check what is going on. Okay, so you said how to control cholesterol. You can control cholesterol by exercising. You can control cholesterol by watching your diet, but इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल ही फैट अपने डाइट में incorporate करना छोड़ दें और बिल्कुल boiled vegetables और boiled meat पे आ जाएं. आप सही sources of fat incorporate करें और उतना, क्योंकि वो आपके organs के लिए जो है necessary है. आपके diet में at least 20% fat होना चाहिए. ठीक है, फैट बर्निंग एक्सरसाइजेज आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दोज एंड आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग टू यू अबाउट okay, so there is another one, sources of fat. All right, sources of good fat. Okay, sources of good fat are chia seeds, sunflower seeds, soybeans itself. You have soybean oil, you have and that is the best form. Soya Supreme is something which is locally available everywhere, so aap jo hai wo usko jo hai wo incorporate kar sakte ho. These are good sources of fat. Then you have salmon, you have white fish, as I mentioned. You have different kind of butters, जो है घी है, देसी घी है, वो आप incorporate कर सकते हो अपने diet में, पर in moderation. Nobody is asking you to go like all crazy on food, but yes, in moderation, all that is allowed, and these are sources of good fat, and they actually help you fight cholesterol as well. Just like I said, there are oils that are 100% cholesterol free, and the oil that is that I would recommend the most would be, of course, Soya Supreme, because it has omega-3, omega-6, and as well as soybean, which is soybean. It's oil made from soybean itself, and that is going to help us in our metabolism and fat burning as well. Okay, so one more thing, let me see. I've got some questions here which I have coming from you guys. Balanced diet and weight loss cannot happen without incorporating fat. And please, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो घी के चमचे खा रहे हो, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है. इसका ये मतलब है आप थोड़ा सा और खा सकते हो, पर लेकिन आप उसको मॉडरेशन में खा सकते हो. आई एम नॉट एट ऑल इनकरेजिंग यू टू इनटेक और टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 20% फैट इन योर डाइट. All I'm saying is that the 20% fat जो आप incorporate कर रहे हो वो अच्छे sources से आप incorporate कीजिए, ठीक है, और sources में mention कर चुकी हूँ. All right, and now let's talk about why are we, what is UHT good for? Okay, I got a question here asking me what is UHT treated good for. UHT treated is basically, I told you this earlier, it's ultra high temperatures. That means that, you know, the oil itself, here we are talking particularly about Soya Supreme. जो सोया सुप्रीम है वो एक टावर पे 255 डिग्रीज पे एक्सट्रीम टेम्परेचर अल्ट्रा हॉट टेम्परेचर पे हीट किया गया है, इसीलिए क्योंकि उसको लाइट बनाने के लिए उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ और कोई कुछ बैक्टीरिया है वो जो है वो ख़त्म करके बिल्कुल उनके बॉटम, उसकी बेस पे हम वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर्स के थ्रू वो ड्रॉप हो जाता है. सो दैट मीन्स यू हैव गुड फैट कमिंग ऑन टॉप. They are not lot of microorganisms, bacteria, viruses, कुछ ऐसी बात नहीं है. और इन UHT treated oils में जो easily which makes your body absorb the oil faster. So make sure that you guys are having oils that are good for you and good for your body. All right, so that is UHT treated, and the benefits of UHT treated, which I think a lot of people are confused about. Why UHT treated? What are the benefits? The benefits of UHT treated are simple. They are that, you know, go ahead, you know, you can eat a little bit more because it is easily digestible, and listen to your body. If your body feels as if it needs to have a little bit more, then do listen to it, because that's what it's craving. आप थोड़ा और उसके उससे खा सकते हो, light होता है, digest easily हो जाता है अपने आपकी body में, और उसमें जो है bacteria और viruses नहीं होते. So these are the questions I have, and I'm going to now come to fitness. Now a lot of people have asked me कि exercise जो है वो कौन सी करनी चाहिए fat burning के लिए. Fat burning के लिए सबसे best जो exercise है वो सिर्फ cardiovascular नहीं है. Obviously we are talking about cardiovascular exercises here as being the most important ones in burning fat. Yes, but a walk is sufficient enough if you are doing around, अगर 150 मिनट आप walk करेंगे एक हफ्ते में, that is 30 मिनट जो है 5 दिन में भी कर ले, तो that is going to give you 150 minutes. And 150 minutes of 30 minutes walk is good for you to get those organs moving and get that blood to circulate in your body. Okay, so cardiovascular exercises are important for burning fat, but along with that, we are going to be talking about some strength and toning exercises which you can do at home. जो आप घर पे कर सकते हो, आपको basic equipment की ज़रूरत है. अगर आपके पास stepper नहीं है, तो आप जो है वो घर की सीढ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, staircase भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So these are simple fat burning exercises. So Sharon, are you ready? Okay, so let's start with our fat burning exercises. Hi everyone. This is Sharon. She is my assistant, and she will basically be doing some exercises for you, which are fat burning exercises. Now, I will be showing you these exercises. हर exercise का मैं आपको कुछ reps बताऊंगी, और अगर आप चाहें तो आप एक pen और paper लेके आप इस routine को note भी कर सकते हैं. Okay, उसके लिए आपको एक stepper की ज़रूरत है और एक resistant band की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपके पास resistant band के लिए show the resistant, this is a resistant band. अगर आपके पास resistant band नहीं है, तो आप एक दुपट्टा या एक रस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, which can help you stay stable and also give you the resistance. और फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी जो है वो रिंग की. अगर आपके पास रिंग नहीं है, तो आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं उस एरिया पे जिस एरिया पे औरतों का ज़्यादा फैट स्टोर होता है. औरतों का ज़्यादा फैट स्टोर होता है आपके ट्राइसेप्स पे, ठीक है, आपकी थाइस पे और आपके ओब्लिक्स पे. ओब्लिक्स आर राइट डाउन हियर. यस, इधर औरतों का ज़्यादा फैट स्टोर होता है, मर्दों का और बैक में भी. यस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन हैविंग बैक फैट. बैक में भी होता है. जो मर्दों का फैट होता है वो यूजुअली बेली बटन में होता है और चेस्ट में. You know, this is the area where men actually accumulate a lot of fat. So now this workout is for both men and women. अगर men के लिए ये होगा कि हम थोड़े से weights बढ़ा देंगे और resistance भी उनके लिए बढ़ा देंगे. कि अगर औरतें जो हैं वो 1 kg के साथ कर रही हैं, तो मर्द हज़रात जो हैं वो 3 kg इस्तेमाल करें. अगर आप beginner हैं और अगर आप beginner नहीं हैं, तो आप up to 6 kg इस्तेमाल कर सकते हैं in this workout. Second, okay, now let's start. All right, Sharon, put some light music on. Do we have music? No, we don't have music. No. Oh, okay, it's fine. It's fine. All right. So if we have music, then I won't be able to talk, right? Yeah. So let's go. Start. Step up and down. That's 1, 2. Now, when you warm up, आप जब भी इस exercises शुरू करते हो, आप सबसे पहले warm up करते हो. आप warm up करेंगे for 2 minutes. Just step up and down 1 minute. Step up with your right leg and then switch at 30 seconds and step on with your left leg. Yes, good job. तो पहले आपने 30 सेकंड राइट लेग से स्टार्ट किए, फिर आपने 30 सेकंड जो है वो लेफ्ट लेग से स्टार्ट किए. गुड, एक्सीलेंट. ऑलराइट, एंड नाउ दिस यू हैव टू डू 30 सेकंड्स ऑन योर राइट लेग and 30 seconds on your left leg, which means कि आप उस leg से stepper के ऊपर step करो. दूसरा आप इसको finish करके tag ये the stepper itself is a great equipment for burning fat. Why? Because you are using your quads, which is a part of your thighs. Can you show the quads? Yes, which is a part of your thighs. And when you go down, you relax them. So when you step up, जैसे आप bend करके knees और kneel आपके joints को भी strengthen करता है. वो लोग जिनके पास joint जिनको joint issues हैं और जो osteoporosis से suffer करते हैं या other joint और bone problems से suffer करते हैं, वो please stepper शुरू में इस्तेमाल ना करें. और अगर स्टेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है वो बिल्कुल ही लो हाइट पे स्टेपर इस्तेमाल करें जैसे हमने किया है. इसकी हाइट हमने इंक्रीज नहीं की. सेकेंड एक्सरसाइज विच आई वुड रिकमेंड फॉर यू एज पुशअप्स. आई वुड लाइक यू टू गो डाउन एंड यू कैन डू इट ऑन द स्टेपर और यू कैन डू इट ऑन द फ्लोर. पुशअप्स को देखने के लिए आपके जो है दोनों राइट हैंड हाथ जो है वो बिल्कुल ही दोनों हाथ अलाइन होने चाहिए शोल्डर से. ठीक है, ये आपको शरण शो कर रही है मॉडिफाइड पुशअप जिसमें जो है उनके नीज ऑन द फ्लोर है. दिस इज द वे टू बिगिन योर वर्कआउट. दिस इज बिगिनिंग, ऑलराइट, फॉर बिगिनर्स हु हैव नॉट वर्कड आउट बिफोर. आप घर में ऐसे कर सकते हो. तो आप शुरू कीजिए शरण डाउन अप. अगर आप देखें आपकी जो नेक है वो बिल्कुल पैरेलल है आपके फ्लोर के साथ. इट्स पैरेलल टू द फ्लोर एंड यू आर गोइंग डाउन टचिंग एंड कमिंग अप. ये याद रखिएगा शरण की कोई ये याद रखिएगा कि वेन एवर यू आर डूइंग पुशअप्स और ट्राइसेप्स अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी. जी मैंने 50 पुशअप कर लिए, मैंने 2 घंटा वर्कआउट किया. अगर आपका फॉर्म करेक्ट नहीं है तो वो वर्कआउट यूजलेस है. कोई फ़ायदा नहीं है पुशअप का, कोई फ़ायदा नहीं है स्टेप अप और डाउन का, कोई फ़ायदा नहीं है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स का अगर आपका फॉर्म करेक्ट नहीं हो. वी हैव टू स्टार्ट इज हाफ द फिनिश. यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड स्टार्ट स्मॉल एंड देन ड्रीम बिग एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स. ओके, नाउ वन मोर पुशअप शरण एंड दिस टाइम आई वांट पुशअप टू बी हाई इंटेंसिटी. गो अप, गो डाउन, गो 1 and 2. This time Sharon is all her feet, her toes are on the floor. If you take a look, and she is her hands are on the stepper. Her hands are just right under her shoulders, and she is working out. Sorry, Sharon, am I just? It's fine. Yeah, it's fine now. Okay, great. Now 25 push-ups करने हैं. All right. आपने स्टेपर पे 1 मिनट किया. 30 seconds each side right and left and then you come to push-ups. Push-ups आपको 25 करने हैं. 25 push-ups के बाद आप ट्राइसेप डिप्स करेंगे. ट्राइसेप डिप्स, let's go. Okay, now beginners tricep dips, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This is triceps को कम करने के लिए हमने tricep dips किए. Now let's do the knee to elbow again. Come up. This time you are working both your hands as well as your knees and your quads. Go up. 1, 2, 3. This is people with knee issues who have joint issues can just lift their leg and touch your elbows. Those with no joint issues can give me a little bit of hop for that fat burning intensity. Excellent. Now that is wide. Okay, good. All right. Now I hope you're writing all this. I will also be giving you this routine and DM you the routine as well if anyone wants it. So again, I'm starting stepper 1 minute, push-ups 25, tricep dips 35. Okay, side knee to elbows, which Sharon just did. इसकी revision में बाद में आप लोग करूँगी. Now you're going to work your inner thighs. Inner thighs में सबसे ज़्यादा fat deposit होता है. इसीलिए हमें जो है हम देते हैं ring को. या हम इस्तेमाल करेंगे शरण कुशन। ठीक है, शरण आप कुशन इस्तेमाल कीजिए ताकि उधर जो हमें ऑडियंस देख रही है घर पे वो they can understand. So if yes, now what you do is place the cushion between your thighs, go down in a squat, place both your hands on the side and press. 1 out, 2 out, 3 out, 4 out, 5 out, and that's it. Okay, so this is your inner thigh workout. It can be done with a cushion, and you can do this for 1 minute. Okay, now we'll go for curtsy lunges. All right, so let's go for curtsy lunges. You place both your hands on your sides for stability. Lift your right leg up and cross it over. Feet, your toes on the ground, and you're going to bend down in a curtsy. Come back to the original state. Now switch legs. Go back and down. Excellent. Back up, down with the other leg, down. Back up, down with the other leg, down, back up. Alright, so that exercise is for your hamstrings. And show hamstrings, Sharon. Excuse me. So I gave you the exercises for quads, I gave you for hamstrings, and also your inner thighs. We did our push-ups for this area, tricep dips, thighs covered. Alright, so now let's go to obliques and your abdomen area where fat is collected. Men usually are prone to collecting fat in this area. Some women are as well, but there can be other reasons too. It can be hormonal issues as well. It can be your thyroid. It can be your lipid profile. So you need to always get your blood work done after every 3 months to make sure that your vitals are excellent. Okay? If your body functions properly, you will metabolize more fat and you will burn more calories. Okay, let's start. Alright. We are going to do some obliques. Place both your feet on a resistant band. Resistant bands like these are easily available in any sports shop, and you can lift it up till here. You can go down on your side to work your obliques and you can come back. You can go down on your side to work your obliques and come back. You can go down and come back. I would like you guys to do 30 seconds each side, but do the other side, Sharon, 3 on the other side for them to be clear on. Place both your feet on it. Lift the band and go. 1 and 2 and 3. So this is where your obliques come in handy. Alright, now we are going to go for chops. Okay, for chops you can either take a cushion if you are not used to any weight, or you can take a 2 kg dumbbell for beginners, talking about women, and men can go up to 4 kgs beginning, and they can go and they can increase their weight as they go along. मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितने because you have to be very particular with exercise. If you have been working out for about 3 months, then you can go up to 6 kgs. So it depends upon where you stand. So you go down, twist, and lift up. That's 1. Go down, twist all the way up. Now, yes, go down, turn on your side, twisting your waist. So working that back as well, working that back fat, and you're also working those obliques. Now come back out. Alright, now the other side. Go down, 1, up, 2, go down, Sharon, go down. Go down towards your ankle, go down more, twist and up, twist. Now if you, and those of you with knee issues can bend that knee. The side that you are twisting, you can bend that knee. But yeah, you need to eat properly for those joints, you know. Get some good fat in your system, get some omega-3, omega-6. Get, if you can't do that, get good sources of fat through Soya Supreme or oils that are rich in the right form of fat. Now, go back down. We did chops, chops each side, 30 seconds. Now Sharon, show us a plan. This is a full plank. You are going to give me 1 minute of this plank. Good job. Now if you can see how everything is aligned. She is working her triceps. She is working her core. She is working her thighs. So it's a complete total body fat burner. It's a simple exercise, but this is an exercise that all athletes in the world use. You don't need anything else. You don't need expensive equipment. All you need is to do the right thing in the right form. Now come back down to glute leg raises. This is one of my favorite exercises and it always works. Alright, so stand up tall. And I want you to go towards the wall. Sharon, is this looking fine? Yeah. Alright, can everybody see you there? Yeah. Yeah, wave, say hello. Alright, great. Okay, now lift up. 1, 2. So if you can see there, please make sure, मैंने बहुत सारे times को मैं कहती रहती हूँ कि please अपने knees को जो है वो आप straight रखें. बहुत सारे clients अपने knees को इस exercise में bend करते हैं और अपने toes को जो है point नहीं करते. Sharon, show what is flex. This is point and what is flex? That's flex. So you have to point your legs out and bring it down to the original position. Then you have to point them out and then bring it down to the original position. So now do the other leg. Give me 5 on the other leg. Yes, and keep breathing. Now remember, breathing burns fat as well. You have to understand that inhaling and exhaling of oxygen burns fat. So make sure that you're going out in the open for the walk. You are also like pointing and flexing your body as required and breathing as required. Another important point I would like to mention here is vitamin A and vitamin D. Vitamin A and vitamin D को absorb करने के लिए हमें fat की ज़रूरत है, ठीक है? Vitamin D नहीं होगी तो आपका आपके body के metabolism गिर जाएगा. Vitamin D के sources या तो आप अगर sunlight के through, which is the best source, as you know, मैंने पहले भी mention किया है कि I am a huge fan of natural sources of food. Okay, so I would like to suggest over here, before I take you back to the cool down exercises, that vitamin D can be taken from sunlight. Sunlight, अगर आप सुबह को 7:30 8 बजे से लेके 8:30 तक बाहर अपनी चाय पिए, या आप 5 o'clock से लेके 5:30 तक get access to vitamin D, and you know, get that in your system. It will help you perform better in your workouts, and it will also help you with metabolizing your fat. If you cannot do that, you take good sources of vitamin D. Vitamin D, आप जो है या तो work a little bit harder and get your vitamin D through supplements. If not, then what you can do is you can use Soya Supreme, and Soya Supreme has all that is required, whereas your vitamin A and vitamin D is concerned. So, you know, just incorporating one ingredient, which is a good quality ingredient, can keep you away from a lot of issues. So this is one point that I really wanted to mention. Okay, so now I want you to do the last bit of the workout. Let's get back. हम last workout पे आ गए हैं. हमने vitamin D के बारे में आपसे बात की. हमने ये भी बताया आपको कि vitamin D आपके लिए कितनी important है और sunlight is the best source. अगर आप sunlight नहीं ले सकते हो और आप जो है ऑफिस में होते हो पूरे जो है वो सुबह से लेकर शाम तक, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके सोर्सेस जो है विटामिन डी के आपके डाइट में अच्छे हों। जैसे आई जस्ट मेंशन कि सोया सुप्रीम इज रिच इन विटामिन डी एंड अदर विटामिन लाइक विटामिन ए एज वेल, so incorporating that in your diet plan will help you get those nutrients in your body. Okay, अब हम आते हैं आपके last exercise पे, वो है squats. Alright, so what I need you to do is I want you to hold 1 kg weights in your hands, और अगर आपके पास weights नहीं है तो आप बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5 लीटर वाटर बॉटल्स जो है पानी की बोतलें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो। प्लीज़ जो है वो आप डू नॉट मिस अ वर्कआउट। अगर ये नहीं है कि वेट्स नहीं है तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो, और अगर आपके पास जो है वो रिंग नहीं है तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग आउट। Sharon, कैन यू कम ऑन दिस साइड? Yeah, you can come on this side because I think people cannot hear me. This is fine. Yeah. So all of you, can you hear me now? If you can, please say yes on the feed. Before I start, I would like to make sure that you can hear me. Okay. All right, so it's fine now. I'm heard. All right, now Sharon, show me the last exercise here, and then we are going to revise this quickly. All right, let's go. Start lateral raises and squats, working your triceps, quads, और मैंने hamstrings की बात की और आपके core का। This is a total body workout. इसमें आपके सारे जो है वो बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं जो फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। एक्सेलेंट गो डाउन, एक्सेलेंट कम अप, वन मोर लास्ट गो डाउन। ओके, तो हम अभी जल्दी से वर्कआउट को रिवाइज करते हैं। दैट्स इट फॉर 1 minute। आई वांट अबाउट इफ यू डू 30 ऑफ दीज स्क्वाट्स यू आर गुड in 1 minute. If you do 60, you are excellent. I mean, I'm proud of you. Okay, now let's get back. Sharon, जल्दी से revise करते हैं हम अपने workout को। सबसे पहले stepper हमने इस्तेमाल किया। Stepper कहाँ है? Stepper का आप इस्तेमाल करेंगे up and down for 1 minute, 1 and 2, ठीक है। फिर आपने knees to elbows किए। Let's go, 1, 2, hop के साथ करें। Yes, that's a fat burner. Excellent. उसके बाद आपने push-ups किए। दोनों टाइप के पुशअप्स दिखाएं शैरन। एक तो मॉडिफाइड है, यस, और एक फुल है। एक्सेलेंट, दिस इज एन एक्सेलेंट फॉर फैट बर्नर अगेन फॉर योर ट्राइसेप्स एंड योर थाइस। फिर हमने इनर थाइस के लिए कुशन इस्तेमाल किया। यस, 1, 2, 3, 4 हमने ट्राइसेप डिप्स किए। गो बैक डाउन। अब ये जो आप अगर फ्लोर पे है तो आपने पुशअप्स करके एकदम से ट्राइसेप्स कर लिया तो दिस इज नॉट गोइंग टू बर्न एनी कैलोरी। सो इफ यू कम अप, डू 1 एक्सरसाइज व्हाइल स्टैंडिंग, और फिर आप नीचे जाके अपने ट्राइसेप डिप्स करेंगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गो अप एंड डाउन, मूव योर बॉडी एज वेल। गुड, एंड नाउ कम अप अगेन। दिस यू गोइंग टू डू फॉर 1 minute। नाउ यू गोइंग टू डू सम कर्सी लंजेस। कर्सी लंजेस 1 और अदर साइड 2, एक्सेलेंट। फिर आपने किए चॉप्स विद डम्बल, 30 सेकेंड्स ईच। या 1, 2, 3 एंड 4। ओके, फिर आपने किया प्लैंक। For 1 minute. Then you did obliques with band. I hope you are writing this down. I'm going to be sending this to you. मैं आपको भेज भी दूंगी। आप मुझे DM कर सकते हो, ये वर्कआउट मैं आपको भेज भी सकती हूँ। मैं आपको जल्दी रिवाइज करके बता रही हूँ in case you forget. 1, 2 and then the other side. Yes, 1 and 2 and this will help you burn the obliques. और obliques दिखाइए शरण, क्या होता है? ऑब्लिक्स ये हिस्सा होता है जो आपकी जीन्स में निकलता है, और जो है आपके टाइट कपड़े अगर आप पहनेंगे तो उसमें से ये फैट यहाँ से बल्जिंग आपको नजर आएगा। ठीक है, अभी आप करेंगी ग्लूट्स। ग्लूट्स करें जल्दी से, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपने अपने हैमस्ट्रिंग्स को काम किया इसमें, और आपका बैक फैट पीस में बर्न हो रहा है। बैक फैट दिखाइए शरण, बैक फैट इस तरफ का होता है। ठीक है, तो ये आपकी है फैट बर्निंग एक्सरसाइजेस, और ये हर एक्सरसाइज को 1 मिनट करना है आपको। एंड लेट्स जस्ट नाउ मूव टू आवर अदर लिटिल शॉर्ट segment which is going to be our skin care routine. चले जल्दी से आप। Hi guys. Hi again. Hello. तो चलो हम अभी अपनी आपको एक छोटी सी स्किन केयर रूटीन बनाएंगे जो मुझे जो है वर्कआउट्स के बाद बहुत काम आती है। ठीक है, हम ऑब्वियसली हमारे पोर्स जो है हम बहुत स्वेट करते हैं तो हमारे पोर्स भी जो है ओपन होते हैं और उसमें डिब्री कलेक्ट हो जाती है। जो डिब्री होती है वो आपको आप ब्रेकआउट करते हो, उस डिब्री से पिंपल्स निकलते हैं, मॉइस्चर से। इफ़ यू डोंट वॉश योर फेस इनफ, सिर्फ सोप एंड वाटर से वॉश करने से जो है फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक्चुअली जो है पोर्स को एक्सफोलिएट करना पड़ता है। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको स्क्रब दिखाऊंगी ये सिर्फ जो है मेरे आपके फेस की स्किन के लिए नहीं पर आपके लिप्स की स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दिस। ओके, सो आई एम गोइंग टू कीप ऑल द स्टफ ऑन द साइड सो दैट आई कैन क्लियर द टेबल फॉर यू। ठीक है, now let's go and we are going to show you what is going on here. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा करीब पुश कर लेती हूँ ताकि आपको सब नज़र आए जो मेरे पास है। अच्छा, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये मेरी चाय है। दिस इज़ माई हर्बल टी, सो डोंट थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्क्रब। ओके, सो अब इस मेरी प्लेट में है कुछ एवोकाडो बटर। If you can see over here, this is avocado butter. अगर आपके पास avocado butter available नहीं है तो आप जो है वो किसी किस्म का ऑयल या आप जो है फ़ैट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बटर हो, या आप जो है मैश्ड बनाना भी यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा घी अगर आप यूज़ करें दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, क्योंकि हम इतना ज़्यादा तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, एवोकाडो जो है बटर जो है वो कुछ स्टोर्स में इधर अवेलेबल है। आई वॉज लकी इनफ टू गेट इट। अगर आपके पास ना हो तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास घी ना हो तो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो क्या कहते हैं उसको, बनाना को। ठीक है, बनाना भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिफरेंट ऑप्शंस में दे रही हूँ। तो आपने ये इतना सा, आपको नज़र आ रहा है सबको, इसको फिक्स कर दूँ मैं? चले, आपने इतना बटर इस्तेमाल किया। ठीक है, इतना बटर, घी या आपका जो है वो बनाना, इतना इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर आपने उसमें थोड़ा सा आमंड फ्लावर डाला। आमंड फ्लावर जो है आप थोड़े बादाम लें, बादाम को ग्राइंड करें। ठीक है, आप ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो बादाम का लुक इस तरीके से हो जाएगा, अच्छी तरीके से ग्राइंड करने से। ठीक है, तो मैंने जो है इधर ये 10-11 बादाम लिए, उनका मैंने एक किस्म का फ्लावर बना दिया। ठीक है, फिर मैंने लिया कोकोनट शुगर। मैंने कोकोनट शुगर इस्तेमाल की है। अगर आप देखें ये कोकोनट शुगर है। अगर आपके पास कोकोनट शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये ब्राउन शुगर ली, आपने इसके ऊपर डाल दिया। अब देखिए, मैं अपने हाथ इस्तेमाल करती हूँ। आई डोंट यूजुअली यूज़ अ लॉट ऑफ स्पून व्हेन आई एम मेकिंग माई स्क्रब्स और इवन व्हेन आई एम कुकिंग एट होम, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि हाथों में से जो है वो फ्लेवर होता है और हाथों में से एंजाइम्स भी निकलते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अब आपने ये लिया, यू कैन टेक अ स्पून टू मिक्स इट। आप देखेंगे कि इसकी जो है आपको एक कस्टर्डी जैसे लुक होनी चाहिए इसकी, बिल्कुल ऐसे हुई है। अगर कस्टर्डी लुक नहीं बनती है तो आप इसको जो है वो थोड़ा और आमंड फ्लावर डाल सकते हैं या थोड़ी सी और शुगर इसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये आपका एवोकाडो या घी या मैश्ड बनाना, एक बनाना को मैश करके इसमें डाल दें और दैट्स इट। दिस इज़ the best lip scrub or face scrub after workout that you could use। ज़्यादातर जो लोग बहुत वो ट्रेन करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं उनको डिहाइड्रेशन बहुत होती है क्योंकि वो इतना पानी नहीं पी सकते क्योंकि पानी की जो है मकदार उनकी कम हो जाती है। स्वेटिंग की वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनकी बॉडी में पानी की मकदार कम होती है। दूसरी बात ये कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स इतने ज़्यादा नहीं लेते, हालांकि हमें कोकोनट वाटर और ये सब लेना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स में भी आते हैं। अब ये आप जो है अपने लिप्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर अ वर्कआउट एंड स्क्रब इट। एंड इवन आप 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए इसको अपने फेस पे रख, यू कैन कीप इट ऑन योर फेस। जब आप इसको धोएंगे और जब धोएंगे तो हल्का सा मसाज करके आप इसको धोएं, आपका फेस जो है वो इट विल शाइन बिकॉज ऑफ द फैट दैट यू हैव यूज्ड, इट विल ग्लो। तो ये नेचुरल ग्लो है और आपके फेस में से डिब्री, एंड इट टेक्स आउट ऑल, एक्सफोलिएट्स ऑल द डर्ट एंड डिब्री फ्रॉम योर फेस। दिस इज़ माई फेवरेट स्क्रब, ये इस्तेमाल करें और मुझे प्लीज़ बताइए, गिव मी योर फीडबैक ऑन दिस स्क्रब। एंड ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा वर्कआउट ट्राई करें, एटलीस्ट 15 दिन के लिए ट्राई करें और गिव मी द रिजल्ट्स। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो। एंड सेकेंडली मेरा लास्ट मैसेज आप सबको ये होगा कि अगर आप सही सोर्सेस ऑफ फैट अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपको गलत चीज़ों का की नीड नहीं पड़ेगी। आप यू विल बी फुलर फॉर लॉन्गर, आप ज़्यादा देर फुल रहेंगे। और दूसरी बात ये, आप थोड़ा और भी खा सकते हो जितना आप। ओके, सॉरी, आई हैड सम प्रॉब्लम्स, कनेक्शन प्रॉब्लम्स, आई एम बैक अगेन। ठीक है, सो ये स्क्रब यूज़ करें। इस वक्त मैं यूज़ कर सकती हूँ, पर सॉरी, अगर देखूँ कैसे लग रहा है। ठीक है, या ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में यू कैन यूज़ द स्क्रब like this. Okay, it's done. Sorry I look like this, but yes, go natural, use natural stuff, you can eat a little bit more, you can do a little bit more if you are natural in your intake, or also use Soya Supreme in your daily life. It's going to, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। आपको विटामिन डी की अलग सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईज़िली डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। और दूसरा बात, आप जितना आप अभी खा रहे हो ना, उससे थोड़ा और खा सकते हो क्योंकि इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। थोड़ा और खाओ एंड हैव फन।